हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माई चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर केयर के बारे में। वी ऑल नो कि गर्ल्स को अपने बालों से कितना ज्यादा प्यार है, और मेरा प्यार मेरे बालों के लिए कितना है मैं आपको दिखा देती हूँ। लंबे नहीं है, इतने ज्यादा लंबे नहीं है, बट ठीक है, मुझे लंबे बाल ही पसंद है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इन बालों से परेशान भी हो जाते हैं जब हमारे बाल झड़ने लगते हैं या फिर बालों में डैंड्रफ। मेन और वुमेन दोनों के लिए अपने बालों की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा ऑयलिंग करना। सब जानते हैं कि हेयर ऑयलिंग करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑयल हमारे बालों को नरिश करता है और हमारे बालों को स्ट्रांग होने में हेल्प करता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बालों के लिए कोई अच्छा हेयर ऑयल यूज करें। तो मैं जो यूज करती हूँ हेयर ऑयल, जो मैं काफी कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ, मैं उसका रिव्यू आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ मार्स बाय जीएचसी के हेयर ग्रोथ ऑयल के बारे में। ये है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अनियन ऑयल, भृंगराज ऑयल, टी ट्री ऑयल, ब्राह्मी ऑयल, जोजोबा ऑयल। अनियन ऑयल हम सबको पता है कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या आपके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल है। और भृंगराज ऑयल भी सब जानते हैं बालों की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा है, काफी बेनिफिशियल है। टी ट्री ऑयल भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि हेयर और स्किन दोनों के लिए बेस्ट है। ब्राह्मी ऑयल भी हेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जोजोबा ऑयल भी स्किन और हेयर के लिए काफी अच्छा होता है। तो ये हेयर ऑयल हमारे हेयर ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है, और अगर हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो ये उस पर काफी अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स इन्होंने दिए हैं वो सब हमारे हेयर पे अच्छे से वर्क करते हैं। तो एक ही ऑयल में आपको ये सब इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो भी ये हेयर ऑयल आपको काफी हेल्प करने वाला है। ये हेयर फॉल को स्टॉप करता है जैसा मैंने बताया, और ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी कि आपके बाल अगर कहीं से आपको गंजापन आ रहा है तो वहां से ये उनको प्रमोट, हेयर ग्रोथ को होने में प्रमोट करता है। 100% नेचुरल ऑयल है, इसमें मिनरल ऑयल नहीं है। ये 200 ml की बोतल आपको मिल जाती है, तो ये काफी अच्छा ऑयल है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी अंदर से पैकेजिंग कैसी है। अंदर से ये कुछ इस तरह से बोतल में मुझे रिसीव हुआ है। तो इसकी इनर पैकेजिंग पे भी सेम डिटेल्स हैं जो मैंने आपको डिटेल में बताया। तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से इसमें ऑयल है। इसको आप डायरेक्ट स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो हैंड्स में लेके रब करके भी आप अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है। मैं इसको अपनी स्कैल्प में लगाऊंगी, जैसे आप स्कैल्प में इस तरह से मसाज करें, रब करें। ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 1 आवर के लिए आप इसको अपने बालों में रखें, अच्छे से मसाज करेंगे। जहां भी आपको स्कैल्प में लगाना है वहां आप लगाएंगे। यहाँ मैं कुछ और क्वांटिटी ले चुकी हूँ ऑयल की। इसको अच्छे से आपके बालों में मसाज करना है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और वो भी हेल्प करेगा आपके हेयर ग्रोथ करने में और हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो ओवरनाइट इसको छोड़ने के बाद आप अपने हेयर्स को वॉश कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट मुझे कुछ दिन पहले ही रिसीव हुआ है और मैं इसे काफी दिनों से यूज कर रही हूँ। तो इसके सभी बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है और बहुत अच्छे से ये वर्क भी करता है। मैंने इसको यूज किया है, मेरे हेयर फॉल में बहुत ज्यादा जो है मैंने देखा है कि मेरे हेयर फॉल बहुत कम हो गया इसको यूज करने के बाद। तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको भी हेयर डैंड्रफ है या फिर हेयर फॉल हो रहा है या आपके हेयर डैमेज हो रहे हैं या आपको गंजेपन की प्रॉब्लम है या आपके बालों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस हेयर ऑयल को जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये आपको अगर बाय करना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इनकी साइट पे जाके आप इसका इनका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।